हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जखन्नी माँ बेटा ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आज मैं टमाटर की दाल की रेसिपी दिखा रही हूँ। टमाटर की दाल बनाने के लिए पहले टमाटर चाहिए, नमक, हल्दी, मिक्स मसाला। फिर टमाटर काटेंगे, अब इसमें पानी डालेंगे और जो मसाला है सब मसाला को डाल देंगे। दो बूंद तेल डालेंगे। अब 15 मिनट के लिए इस पे बॉईल होने के लिए चढ़ा देंगे। ये बॉईल हो चुकी है, इसको थोड़ा मैश कर लेंगे। इससे टमाटर की दाल को छौंका लगाने के लिए सूखा मिर्चा, सरसों, प्याज, कड़िया पत्ता, कटा हुआ अदरक और कटी हुई लहसुन। इसमें सरसों की तेल डालेंगे। तेल गर्म हो चुकी है, इसमें सूखा मिर्चा और सरसों डाल देंगे। इसमें लहसुन और अदरक डाल देंगे। अब कड़ी पत्ता डाल देंगे। अब कटी हुई प्याज डाल देंगे। इन सबको डाल के अच्छी तरीका से भूनेंगे। लाल होने तक इन सबको भूनेंगे। ऐसी टमाटर की दाल कभी बना के खाइएगा, बहुत टेस्टी लगता है। हो गया प्याज लाल, अब इसमें दाल डाल देंगे। अब इसको थोड़ा देर पकाएंगे। अब हो चुकी है, गैस बंद कर देंगे। टमाटर की दाल बन के रेडी हो चुकी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अच्छा अच्छा कमेंट कीजिए।